Hey guys, this is Gaurav. I welcome you on the behalf of Glasgow Education. So today I picked a topic from power system or power plant engineering, that is economic load dispatch. Okay, so this topic is very important in terms of research as well as in terms of competitive exams. Okay, now we will understand this presentation, what actually the economic scheduling is all about. Okay, what is incremental loading, what is incremental fuel cost, what is incremental fuel rate, what is heat rate, okay, what actually the Lagrange multiplier will do, okay, what is the condition for economic scheduling, okay, what is Lagrange objective function, and when we incorporate transmission, what actually the factor which affect the unit, and that factor is penalty factor. So we will look after these aspects subsequently while the presentation. Okay, so and one thing more, this lecture is basically augmented in Hindi as well as in English. Okay, so one should ask a question that why we do economic scheduling. Okay, so the purpose is basically to reduce the operation cost of the generation. ठीक है, आपको ये चीज़ समझनी है कि इकोनॉमिक लोड शेड्यूलिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हमें क्या करना है, हमें रिड्यूस करनी है ऑपरेटिंग कॉस्ट. कैसे रिड्यूस करेंगे? विद द हेल्प ऑफ इंक्रीमेंटल लोडिंग, विद द हेल्प ऑफ इंक्रीमेंटल लोडिंग. अब आपको ये पूछना चाहिए कि व्हाट इज इंक्रीमेंटल लोडिंग. सो इंक्रीमेंटल लोडिंग समझने के लिए हमको ये मालूम होना चाहिए कि हमारा जो पावर सिस्टम नेटवर्क है ये क्या है, कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है. ठीक है, अब इस नेटवर्क में क्या है, कई बसेस हैं और उन बसेस पे क्या है, जनरेटिंग यूनिट्स हैं. ठीक, कुछ बसेस में जनरेटिंग यूनिट्स हैं, कुछ बसेस में क्या है, लोड है. ठीक, कुछ बसेस ऐसी होंगी जहाँ पे जनरेटिंग यूनिट भी है और लोड भी है. और ये जो सिस्टम है ये पूरा क्या है, कनेक्टेड फॉर्म में. ये सिस्टम कैसा है, कनेक्टेड फॉर्म में. ये सिस्टम रिंग टोपोलॉजी में भी कनेक्ट हो सकता है और ये सिस्टम क्या है, रेडियल टोपोलॉजी में भी कनेक्ट हो सकता है. अलग अलग टोपोलॉजीज के अलग अलग एडवांटेज हैं. हमें बस इन एडवांटेजेस को क्या करना है, यूटिलाइज करना है और समझना है कि इकोनॉमिक शेड्यूलिंग को क्यों यूज करते हैं और इससे ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे मिनिमाइज होती है. ठीक, सो वी कैन ईजली से दिस थिंग, अ टोटल सिस्टम लोड इज डिवाइडेड अमंग वेरियस जनरेटर यूनिट्स एंड दैट ऑल द यूनिट्स ऑपरेट एट इक्वल इंक्रीमेंटल कॉस्ट. जितना भी लोड है उसको जितनी भी यूनिट्स है जनरेटिंग यूनिट्स उसमें डिवाइड होना है और जितनी भी यूनिट्स हैं दैट शुड ऑपरेट एट इक्वल इंक्रीमेंटल कॉस्ट. अभी हम लोग समझेंगे कि व्हाट एक्चुअली द इंक्रीमेंटल कॉस्ट इज ऑल अबाउट. ठीक, उसके पहले हम लोग को ये जानना जरूरी है कि इनपुट और आउटपुट क्या होता है एक प्लांट में. अगर इनपुट देखा जाए थर्मल पावर प्लांट के रिस्पेक्ट में तो सीधी सी बात है कंबस्शन ऑफ फ्यूल हो रहा होगा, उसके करस्पॉन्डिंग क्या होगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी और वो एनर्जी क्या है, किलो जूल पर आवर. और उस प्लांट का क्या होगा, आउटपुट मेगावाट में होगा. ठीक, इसी तरीके से अगर हाइड्रो में देखा जाए तो हाइड्रो में क्या है, इनपुट डिस्चार्ज है, फ्लो रेट है, दैट इज मीटर क्यूब पर सेकेंड. ओके, और आउटपुट क्या है, मेगावाट में. इसका मतलब मेगावाट आउटपुट क्या है, दोनों केसेस में सेम है. थर्मल में भी मेगावाट आपको मिल रहा है और हाइड्रो में भी आपको क्या मिल रहा है, मेगावाट. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द इनपुट एंड आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू थर्मल एंड हाइड्रो. अब हम लोग समझते हैं इस फॉर्मूले को क्यों कैसे यूटिलाइज करना है. तो इसको हीट रेट हमने डेवलप किया. अब हीट रेट इज बेसिकली व्हाट, इट इज अ रेशियो ऑफ इनपुट टू आउटपुट, इट इज अ रेशियो ऑफ इनपुट टू आउटपुट. तो अगर थर्मल पावर प्लांट का हीट रेट देखेंगे तो क्या होगा, इनपुट अभी मैंने आपको बताया किलो जूल पर आर और आउटपुट क्या है, मेगावाट. तो हीट रेट क्या हो जाएगा, किलो जूल पर आर पर मेगावाट. अब देखते हैं इंक्रीमेंटल रेट क्या है. इंक्रीमेंटल और हीट रेट में क्या डिफरेंस है कि इंक्रीमेंटल में क्या है, स्मॉल इंक्रीमेंट लेना है, स्मॉल इंक्रीमेंट विद रिस्पेक्ट टू इनपुट, स्मॉल इंक्रीमेंट विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट. तो फॉर्मूला बेसिकली क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ स्मॉल चेंज इन इनपुट टू द स्मॉल चेंज इन द आउटपुट. अगर देखा जाए इंक्रीमेंटल रेट कैसे डिफाइन है, तो इंक्रीमेंटल रेट के दो तरीके से डिफाइंड है. एक तो है इंक्रीमेंटल फ्यूल रेट, आपको बिल्कुल फॉर्मूला आराम से डेवलप कर लोगे. फॉर्मूला क्या है, इनपुट बाई आउटपुट. सो इनपुट क्या है, किलो जूल पर आर पर मेगावाट, ये एक्सप्रेशन आ गया. अब इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट का एक्सप्रेशन देखोगे तो क्या है, कंबस्शन हो रहा है फ्यूल का, उसकी कुछ कॉस्ट होगी, तो इसमें हमने क्या लिखा है, रुपीस पर आर पर मेगावाट. तो दिस इज द इंक्रीमेंटल फ्यूल रेट एंड इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट. ठीक, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये हीट रेट और इंक्रीमेंटल फ्यूल रेट, इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट कैसे डिपेंडेंट है. तो इसका कर्व आप ये है, इस कर्व में आप ध्यान से देखिए कि जब पावर की वैल्यू क्या है, जीरो, उस
केस में भी क्या है, इंक्रीमेंटल रेट और हीट रेट क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक, जब पावर की वैल्यू जीरो है उस केस में भी हीट रेट और इंक्रीमेंटल रेट क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। और इस कर्व में आप दोनों कर्व्स को अगर कंपेयर करोगे तो आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नज़र आना चाहिए कि ये दोनों कर्व एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। और ये जो पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इस पॉइंट के लिए एक इम्फोसिस है, एक इन्फेरेंस है दैट टू कर्व्स क्रॉसेस ईच अदर एट अ पॉइंट वेयर हीट रेट इज़ मिनिमम। ये इसकी एक कंडीशन है। अगर हम लोग इंक्रीमेंटल कर्व और हीट रेट के करस्पॉन्डिंग अगर हमने कर्व बनाया तो हमको ये इन्फ्रेंस मिलनी ही है कि टू कर्व्स क्रॉसेस ईच अदर एट अ पॉइंट वेयर हीट रेट इज मिनिमम। ठीक, सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट रेट एंड इंक्रीमेंटल रेट कर्व। ओके, नाउ वी विल गेट टू नो व्हाट एक्चुअली द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक शेड्यूलिंग। ओके, अब हमको ये समझना है। तो हमने क्या किया है, इकोनॉमिक शेड्यूलिंग में दो बसेस ली हुई हैं और दोनों बसेस में क्या है, जनरेटर्स हैं और लोड है। ठीक है, और हमें क्या करना है, इन दोनों बसेस की जो जनरेटर्स हैं इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट को क्या करना है, मिनिमाइज़ करना है। तो आप देखिए, इसके लिए मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम का कर्व बनाया हुआ है जो कि क्या है, आई सी वर्सेस इनपुट ऑफ द यूनिट, पावर इनपुट ऑफ द यूनिट। अब देखिए इसमें कर्व क्या है, एक कर्व है आपका सेकेंड, ठीक, और एक कर्व क्या है इसमें फर्स्ट। अब आप देखिए फर्स्ट कर्व को ध्यान से देखिए, फर्स्ट कर्व का जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो P1। ठीक, अब फर्स्ट कर्व की कॉस्ट क्या, इंक्रीमेंटल कॉस्ट कम है, और सेकेंड कर्व की आप जरा देखिए पावर जो प्रोड्यूस कर रहा है दैट इज़ P2। ठीक, बट जो ये पावर प्रोड्यूस कर रहा है कम पावर प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक, बट इसकी इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या है, ज़्यादा। अब P2 पावर कम प्रोड्यूस कर रहा है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट ज़्यादा है, और एक ऐसा है जो पावर ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है और उसकी इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या है, कम है। तो हमें एक ऐसा ऑप्टिमल पॉइंट निकालना है जिससे दोनों की क्या हो जाए, इंक्रीमेंटल कॉस्ट बराबर हो जाए। तो आप देखिए हमने टू वाली में एक डाउन एरो दिया है। डाउन एरो का मतलब क्या है, हम लोग क्या करेंगे इसकी इंक्रीमेंटल कॉस्ट को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। ठीक, और P1 में आप देखिए मैंने अप एरो दिया हुआ है, इससे क्या करेंगे, इंक्रीमेंटल कॉस्ट को इंक्रीज करेंगे। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि हम लोग एक ऑप्टिमल इंक्रीमेंटल वैल्यू पे पहुंच जाएंगे जिससे दोनों यूनिट क्या हो, इक्वल इंक्रीमेंटल कॉस्ट पे काम करें। ठीक, अब इसमें देखिए इस चीज़ को समझने के लिए हमको ये चीज़ प्रूव करनी है कि इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ यूनिट 1 शुड बी इक्वल टू इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ यूनिट 2। तो हमें ये प्रूव करना है कि दोनों यूनिट की इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या हो, बराबर हो। अब इसके लिए प्रूफ करने के लिए हमको एक चीज़ ये समझनी चाहिए कि इस नेटवर्क में आउटपुट क्या है दोनों में, PD1 + PD2, तो टोटल आउटपुट क्या है, PD, और दैट इज़ PD1 + PD2। और टोटल कॉस्ट क्या है, अगर जनरेटिंग यूनिट की कॉस्ट देखा जाए पहली यूनिट की तो दैट इज़ व्हाट, C1, और यूनिट 2 की देखा जाएगा तो क्या होगा, C2। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल जब आएगा C1 और C2 का, तो C1 और C2 में आप देखिएगा कि C1 और C2 की वैल्यू क्या होगी, P1 के फॉर्म में होगी। जैसे C1 की वैल्यू आ सकती है इस तरीके से, 500 P1 स्क्वायर प्लस 100 P1 प्लस X। तो इसमें क्या है, C1 डिपेंड क्या कर रहा है, P1 के ऊपर कर रहा है, और C2 किसके ऊपर डिपेंड करेगा, P2 के ऊपर। ठीक, तो ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। उसके बाद हम लोग समझते हैं, अब ये हम लोग को डेरिवेशन करना है। डेरिवेशन मैंने आपको बताया कि हमको इंक्रीमेंटल कॉस्ट यूनिट 1 की और इंक्रीमेंटल कॉस्ट यूनिट 2 की क्या रखना, बराबर रखना है। अब हमने देखिए यहाँ पे बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट डेवलप किया है। अब हमें क्या करना है, फॉर इकोनॉमिक लोड शेड्यूलिंग टोटल कॉस्ट शुड बी मिनिमम। एक हमको ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना है जिससे ये दिखाना है कि टोटल कॉस्ट क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। ठीक, तो अभी हम लोगों ने क्या किया है, हमने क्या किया है कि अगर सिस्टम लिया है जो कि सब्जेक्टेड टू क्या है, कंस्ट्रेंट है और ट्रांसमिशन लॉसेज नहीं है, तो हमने क्या लिखा है, PD - PG = 0। आप देखिए यहाँ पे सब्जेक्टिवली एक फंक्शन लिया है, PD - PG = 0। ये क्या है, फंक्शन जीरो है। मगर अगर क्या है कि अगर हमारे पास सिस्टम में क्या है, अगर हमको सिस्टम प्रैक्टिकल सिस्टम में देखना है, तो PD - P1 + P2 क्या होगा, जीरो नहीं होगा। ठीक, तो हम सिस्टम में एक लैग्रांजियन मल्टीप्लायर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग देखेंगे सिस्टम किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है। बट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमिक शेड्यूलिंग हमको क्या करना है, एक एक्सप्रेशन डेवलप करना है जिससे IC1 और IC2 क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो हमने क्या किया है कि जो सी टोटल है दैट इज़ C1 + C2, ये जो सी टोटल आप देखिए यहाँ पे लिखा है, C टोटल C1 + C2। ठीक, और अगर प्रैक्टिकल में देखा जाए तो ये क्या होगा, C टोटल C1 + C2 + λ times of PD - P1 + P2। ठीक, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे बनेगा,
आपको टोटल कॉस्ट लेनी है प्लस लैम्डा टाइम्स इक्वालिटी कंस्ट्रेंट लेना है, ठीक। बट अभी हमको क्या करना है, हमें इकोनॉमिक शेड्यूलिंग के लिए क्या करना है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट को क्या करना है, बराबर दिखाना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमको इस सी टोटल को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो हमने क्या किया, इस फंक्शन को पहली यूनिट के रिस्पेक्ट में डी सी को डी पी वन के रिस्पेक्ट में क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो एक्सप्रेशन क्या सिंपल सा आ जाएगा, डी सी वन बाई डी पी वन प्लस डी सी टू बाई डी पी वन। और मिनिमम के लिए क्या होगा, इसको इक्वल्स टू जीरो कर देंगे। इसी तरीके से अगर हमको इस एक्सप्रेशन को फर्दर मॉडिफाई करना है, तो अब देखिए यहाँ पे लिखा तो क्या है, डी सी वन बाई डी पी वन, बट इस एक्सप्रेशन में देखिए क्या लिखा है, डी सी टू बाई डी पी वन, जबकि होना यहाँ पे क्या चाहिए, डी सी टू बाई डी पी टू। तो इस एक्सप्रेशन को मॉडिफाई करने के लिए हमने इसमें यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लोग डी सी टू बाई डी पी टू बनाने के लिए हमने क्या किया, डी पी टू से दोनों साइड ऊपर नीचे क्या करा, मल्टीप्लाई, जिससे ये एक्सप्रेशन क्या हो जाए, डी सी टू बाई डी पी टू, ठीक है। टोटल पावर क्या है, पी वन प्लस पी टू इक्वल्स टू पी है। तो अगर हमको डी पी टू बाई डी पी वन की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करें, पी टू की वैल्यू निकाल लें। तो हमने पी टू की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, पी टू इक्वल्स टू पी माइनस पी वन, पी हमारा क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो हम लोग अगर डी पी टू को डी पी वन के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, माइनस वन। तो अब यहाँ पे आप देखिए, यही मैंने इस एक्सप्रेशन में किया हुआ है, ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे डी पी टू बाई डी पी वन इक्वल्स टू जीरो माइनस वन, दैट इज माइनस वन। तो एक्सप्रेशन अब हमारे पास फाइनली जो एक्सप्रेशन आएगा वो देख लेते हैं हम लोग क्या है। तो जो फाइनली एक्सप्रेशन आने वाला है वो एक्सप्रेशन क्या है, ये एक्सप्रेशन है, ठीक। इस एक्सप्रेशन में आप देखिए डी सी वन बाई डी पी वन इक्वल्स टू डी सी टू बाई डी पी टू आ गया, क्यों, क्योंकि ऊपर वाले एक्सप्रेशन में आप देखिए डी पी टू बाई डी पी वन की वैल्यू क्या है, यहाँ पे माइनस वन है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो इसके बाद हमको एक्सप्रेशन क्या मिल गया, डी सी वन बाई डी पी वन इक्वल्स टू डी सी टू बाई डी पी टू। और इससे हमने ये चीज़ प्रूव कर दी कि इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या है, आई सी वन इक्वल्स टू आई सी टू है। तो ये चीज़ हमारी प्रूफ हो गई, ठीक है। अगर हमारे पास तीन यूनिट होंगी तो ये क्या हो जाएगा, आई सी वन इक्वल्स टू आई सी टू इक्वल्स टू आई सी थ्री। चार यूनिट होगी तो आई सी वन इक्वल्स टू आई सी टू प्लस इक्वल्स टू आई सी थ्री इक्वल्स टू आई सी फोर। और बस आपको क्या रखना है, आपको क्या करना है, टोटल कॉस्ट को डिफ्रेंशिएट क्या करना है, पी वन के रिस्पेक्ट में करना होगा, फिर पी टू के रिस्पेक्ट में, फिर पी थ्री, फिर पी फोर, ठीक। तो इस तरीके से हमने ये चीज़ क्या कर दी, प्रूफ। तो इकोनॉमिक लोड इकोनॉमिक शेड्यूलिंग की कंडीशन क्या हो गई कि हमको इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या हो गई, बराबर, दैट इज डी सी वन बाई डी पी वन इक्वल्स टू डी सी टू बाई डी पी टू इक्वल्स टू डी सी थ्री बाई डी पी थ्री एंड सो ऑन, ठीक। अब हम लोग एक प्रैक्टिकल एजम्पशन लेते हैं, लैग्रांजे ऑब्जेक्टिव फंक्शन के बारे में जानते हैं, और ये जानेंगे कि लैग्रांजे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ट्रांसमिशन लॉस और पेनल्टी फैक्टर का इम्पैक्ट क्या है और कैसे इसको यूटिलाइज किया जाए। तो हमने क्या करेंगे, अब हम लोग सपोज करते हैं कि अगर हमारे पास एन यूनिट है और एन यूनिट क्या इकोनॉमिक शेड्यूलिंग में पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो अगर आप देखोगे सबका एक इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या होना चाहिए, बराबर। तो हमने देखिए वही जो अभी पहले डिराइव किया वो लिखा हुआ है, डी सी वन बाई डी पी वन इक्वल्स टू डी सी टू बाई डी पी टू और अप टू डी सी एन डी सी एम बाई डी पी एम और इक्वल्स टू लैम्डा। हमने उसको जो कॉन्स्टेंट आ रहा था उसको क्या मान लिया, लैग्रांजे मल्टीप्लायर। अब हम लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे बनता है और उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की ऑप्टिमल वैल्यू क्या होगी, ठीक। तो उसके लिए हमने क्या किया, लैग्रांजे फंक्शन बनाया। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाते समय आप ध्यान रखिए, जैसे अभी हम लोगों ने पहले वाले केस में ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाया था, बट ये क्या है, प्रैक्टिकल केस है। इसमें हम लोग कंसीडर क्या करेंगे, ट्रांसमिशन लॉसेस को भी कंसीडर करेंगे और हम ये देखेंगे कि पेनल्टी फैक्टर कैसे डेवलप हो रहा है। तो सबसे पहले अभी हम लोग पहला केस लेते हैं, उसमें ट्रांसमिशन लॉस नहीं कंसीडर करते हैं, ठीक। तो इसमें हमने देखिए लैग्रांजे ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाया, दैट इज बेसिकली व्हाट, कॉस्ट ऑफ ऑल यूनिट प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ इक्वालिटी कंस्टेंट, ठीक। तो कॉस्ट ऑफ ऑल यूनिट बेसिकली क्या है, सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री प्लस सी एन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ गिवन लोड डिमांड माइनस टोटल पावर जनरेशन। तो अगर इसको फर्दर मैथमेटिकली एक्सप्लेन करोगे तो एल इक्वल्स टू सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री प्लस सी एन प्लस लैम्डा टाइम्स पी डी माइनस पी वन प्लस पी टू प्लस पी एन। पी वन पी टू पी एन ये सब क्या है, जनरेटिंग यूनिट की पावर है, पी डी क्या है, लोड है टोटल, और सी वन सी टू सी एन क्या है, ये कॉस्ट है। मिनिमाइज करना है लैग्रांजे अब हमको मिनिमाइज करना है लैग्रांजे ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो अगर हमको लैग्रांजे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हर यूनिट की पावर के रिस्पेक्ट में इसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट। तो हमने देखिए यहाँ पे किया हुआ, डी एल बाई डी पी वन इक्वल्स टू जीरो, डी एल बाई डी पी टू इक्वल्स टू जीरो, डी एल बाई डी पी थ्री इक्वल्स टू जीरो, ठीक। और अब हम देखेंगे कि एक्सप्रेशन क्या बनता है। तो जब हमने डिफरेंशिएट किया तो आप देखिए इस एक्सप्रेशन में जब डिफरेंशिएट करेंगे पी वन के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा, डेल सी वन बाई डेल पी वन, और बाकी चीज़ें क्या हैं,
P1 के रिस्पेक्ट में तो आएंगी नहीं, तो बाकी चीज़ों की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो खाली आपके डेल C1 बाई डेल P1 आएगा। लैम्डा के केस में देखोगे तो PD क्या है हमारा, कॉन्स्टेंट है, तो PD की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिफ्रेंशिएट करेंगे P1 के रिस्पेक्ट में तो जीरो, और यहाँ पे खाली P1 आएगा। इसका मतलब जो एक्सप्रेशन आएगा वो लैम्डा टाइम्स ऑफ -1 आएगा। तो अब देखते हैं हम लोग यही एक्सप्रेशन आ रहा है नहीं, बिल्कुल देखिए यही एक्सप्रेशन आ रहा है कि DL बाई DP1 इक्वल्स टू डेल C1 बाई डेल P1 प्लस लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई -1। और इसी एक्सप्रेशन को अगर आप दोबारा करोगे DL बाई डेल P2 के रिस्पेक्ट में करोगे, तब भी वो क्या आएगा, डेल C2 बाई डेल P2 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू -1। और दोनों की वैल्यू क्या है यहाँ पे, जीरो है, दोनों की वैल्यू क्या है, जीरो। और अगर हम लोग को इकोनॉमिक लोड डिस्पैच चाहिए तो दोनों इक्वेशन में क्या होना चाहिए, डी है, तो इसका मतलब DC1 बाई DP1 किसके बराबर होगा, लैम्डा के बराबर, और DC2 बाई DP2 किसके बराबर होगा, लैम्डा के बराबर होगा। तो हम लोग इस फाइनल एक्सप्रेशन तक आ जाएंगे, DC1 बाई DP1 इक्वल्स टू DC2 बाई DP2 अप टू DCN बाई DPN इक्वल्स टू लैम्डा। तो दिस इज द लैग्रांजे मल्टीप्लायर, ठीक। तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट को हमने किसके बराबर कर दिया, यहाँ पे लैग्रांजे मल्टीप्लायर के बराबर कर दिया। अब हमको कंसिडर करना है इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो पूरे ओवरऑल सिस्टम को डिफाइन कर रहा है, दैट इज ट्रांसमिशन लॉस। ओके, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो हमने फिर वही लैग्रांजे ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिया। अब फंक्शन में बस एक चीज़ इनकॉर्पोरेट करेंगे, टोटल कॉस्ट तो वही रहेगी, लैम्डा के साथ भी वही रहेगा PD, बस हमने यहाँ पे PL को इनकॉर्पोरेट कर दिया है, दैट इज़ ट्रांसमिशन लॉस, क्योंकि पेनल्टी फैक्टर में ट्रांसमिशन लॉस ही आएगा इंडिविजुअल यूनिट का, ठीक। अब देखो PD प्लस PL माइनस P1 प्लस P2 प्लस PN, ठीक। अब अगेन हमको एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिल गया L। अब भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमें क्या करना होगा, वी हैव टू रिड्यूस दिस और वी हैव टू मिनिमाइज दिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो फिर हम लोग वही पहले हम लोग क्या करेंगे, L को P1 के रिस्पेक्ट में करेंगे, L को P2 के रिस्पेक्ट में करेंगे और L को P3 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। और डिफरेंशिएट करने के बाद देखिए एक्सप्रेशन बना है हमारा। अगर हमने डेल हमने L को P1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बना, डेल C1 बाई डेल P1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ PD कॉन्स्टेंट रहेगा तो वो जीरो हो जाएगा। बट लॉस क्या होगा, लॉस में डिपेंडेंसी होगी P1 की, तो हमने क्या लिखा, DPL बाई DP1 -1 इक्वल्स टू जीरो, ठीक। इसके बाद आप देखिए एक्सप्रेशन को फर्दर इम्फोसाइज करते हैं तो हमने क्या, हमारा एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, डेल C1 बाई डेल P1 इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स 1 माइनस DPL बाई DP1। अब क्योंकि ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर है, तो हमने खाली ऊपर का इतना ही एक्सप्रेशन कंसिडर किया और इसको अरेंज किया, और फाइनली हम लोग को एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा DC1 बाई DP1 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस DPL बाई DP1 इक्वल्स टू लैम्डा। बिल्कुल ध्यान से देखिए, लैम्डा के साथ ये 1 माइनस DPL बाई DP1 आ रहा था मल्टीप्लाई होके, अब ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और ये डिनोमिनेटर में आने के बाद DC1 बाई DP1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस DPL बाई DP1, और ब्रैकेट क्या हो जाएगा, क्लोज। और इस पूरे पर्टिकुलर टर्म को ही क्या कहते हैं, पेनल्टी फैक्टर। ओके, तो आप याद रखें कि इस पूरे टर्म को क्या बोलते हैं, पेनल्टी फैक्टर। ओके, तो 1 अपॉन 1 माइनस DPL बाई DP1 को क्या बोलेंगे, पेनल्टी फैक्टर ऑफ यूनिट 1। अगर यहाँ पे आएगा 1 अपॉन 1 माइनस DPL अपॉन DP2 तो ये क्या हो जाएगा, पेनल्टी फैक्टर ऑफ यूनिट 2, ठीक। तो आप डायरेक्टली भी इस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। तो दिस इज ऑल अबाउट द इकोनॉमिक लोड डिस्पैच एंड आई विल बी टेलिंग यू न्यूमेरिकल्स इन दी सब्सिक्वेंट वीडियो लेक्चर्स ऑफ दिस सीरीज।